नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं खास खबर। आज खाकी पर फिर एक बार हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश में खाकी को बंधक बनाकर पीट पीट कर मार दिया गया। क्या है पूरा मामला सब समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले कहानी सुनिए। कहानी है आगरा से। आगरा में एक बेटा है, वो पुलिस में भर्ती हो जाता है। पिता बहुत खुश हैं, आज वो पिता खुश नहीं है। दो बेटियां हैं उस बेटे की, दोनों बेटियां एक 3 साल की है, एक 4 माह की है। उसके साथ ही घर में एक पत्नी है और एक कुंवारी बहन जिसकी मई में शादी होनी है। इस घर में कल शाम तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज एक पत्नी है जो कि बदहवास है। क्यों? क्योंकि उसके पति को पीट पीट कर मार दिया गया। आपको बता दूं कि आज उस बदहवास पत्नी के सवालों के जवाब देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून की बखिया उखेड़ती सबसे बड़ी घटना में आपको जो एक सबसे बड़ा एंगल है वो बताता हूं। दरअसल उस बदहवास पत्नी का पति, उस बेबस पिता का बेटा और दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी हर आहट पर अपने पिता का इंतजार करती वो दो बेटियां, उनका पिता पुलिस वाला था और जिन्होंने उसकी हत्या की है वो हिस्ट्री शीटर बदमाश। कासगंज में बिकरू जैसा कांड, एक बार फिर पुलिस वालों पर हमला, शराब माफिया ने की सिपाही की हत्या, दरोगा को भाला मारकर किया घायल। कानपुर के बिकरू कांड को अभी ज्यादा समय भी नहीं बीता था कि एक बार फिर कासगंज में ऐसी ही घटना दोहराई गई। एक बार फिर यूपी में पुलिस वालों पर हमला किया गया। शराब माफिया ने बीते दिन कासगंज के नगला धीमर गांव में एक पुलिसकर्मी की पीट पीट कर हत्या कर दी, साथ ही एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। इससे पहले कानपुर के बिकरू में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जहां बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर भी हमला कर दिया गया था। दरअसल कुर्की का नोटिस लेकर दरोगा अशोक कुमार सिंह और सिपाही देवेंद्र कुमार शराब माफिया मोतीराम के यहां गए थे। मोतीराम ने दोनों को बंधक बना दिया। इसके बाद सिपाही की पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि दरोगा को बुरी तरह से घायल किया है। दोनों गाँव से 1.5 किलोमीटर दूर बंदी हालत में मिले। हालांकि देर रात जब खबर मिली तो कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही खबर सीएम तक भी पहुंच गई और उन्होंने रासुका के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतक सिपाही को 50 लाख की आर्थिक सहायता और परिजन को नौकरी देने की घोषणा की है। जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। हिस्ट्री शीटर मोतीराम के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज है। उसी के यहाँ नोटिस लेकर दोनों पुलिसकर्मी गए थे। इस बीच गांव में माफिया ने दोनों पुलिसकर्मियों को घेर लिया। इस बीच पुलिस सरगर्मी से बदमाशों की तलाश कर रही थी। मोती का भाई एलकार पुलिस को मिला और उसके साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई और वो मौके पर ही मारा गया। पुलिस अब मोती की तलाश में लगी हुई है। पुलिस ने दोनों भाइयों के अलावा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश में लगातार होती ऐसी घटनाएं जनता की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों की ही सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि जब ये पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं, जब जनता की रक्षा करने वाले सुरक्षाकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा बेमायनी सी लगती है। हमारे भी इस पर कुछ सवाल हैं, आप जरा देखिए। कासगंज में जो हुआ उसकी जाँच होगी या उसे भी बिकरू कांड बना दिया जाएगा? क्या पुलिस में भी उनका कोई मुखबिर था? क्या सरकार सिर्फ एनकाउंटर करवाकर अपनी पीठ थपथपा लेगी? सबको सुरक्षा देने वालों की सुरक्षा कौन करेगा? ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सिर्फ गाड़ी पलट देने से अक्सर सच्चाई छिप जाती है। धन्यवाद।